बात है जी, क्या बात है। चाय ला रहा है जी, तुसी सुबह सुबह चाय ला दियो। लंगर चालू हो रहा है जी, इतने लंगर बन रहा है। लंगर बन रहा है कितने बजे? पकौड़े बन जाएगा, पकौड़े सब्जी। कितने बजे चालू है? चालू है। स्वागत है आज एक नए ब्लॉग में आप सबका। हम जलंधर में अपने सारी सामान पैकिंग कर लिए। तुसी सत श्री अकाल जी, ठीक है। अन्य पंजाब ही नहीं आते जी। चाय का आनंद लेते हैं, गुरुद्वारे का चाय। कुछ राइडर मिले हैं जो आप लोग सब लद्दाख जा रहे हो क्या? जैसे आज नॉर्मल राइड पे निकले थे, हाँ। रास्ते में भैया मिले, आपको देख के इतना मोटिवेशन मिला ना, वो आपको देख के ना मन ने एकदम ना क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं है। आपको देख के हैट्स ऑफ यू, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन यार जलंधर जो है ना लुधियाना से बहुत अच्छा है, खूबसूरत साफ सुथरा, मुझे बहुत पसंद आया। जलंधर से दो रास्ते हैं, या तो आप जलंधर से सीधा अमृतसर की तरफ जा सकते हैं, जलंधर से सीधा पठानकोट की तरफ जा सकते हैं। जलंधर NH1 टोल से पराठा है, खाके खाते हैं। मेरे ठीक सामने आपको शायद कोपरों में नज़र नहीं आ रहा होगा, एक अमेरिका का बड़ा सा झंडा लगा हुआ है। पंजाब के कई ऐसे गांव में, रास्ते में, हाईवे पर, हाईवे के किनारे, कहीं पे भी, बसों में, ट्रकों में, हर गाड़ी में कोई US का झंडा, कोई कनाडा का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, कोई न्यूजीलैंड का, इवन तिरंगा कम और ये सारे झंडे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने ये नोटिस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। व्यास पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अपने धनु की बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ एक गुरुद्वारे में। नेशनल हाईवे 44 पर ही अमृतसर की तरफ जाएंगे ना, तो चेक पोस्ट है पीछे में, जहाँ पुलिस है वो चेक पोस्ट है। वहाँ से जैसे पार करोगे 100 मीटर इधर नीचे, तो मैंने लंगर बट रहा था, तो मैं लंगर सोचा खा लेता हूँ। बैगन की सब्जी है और चावल है, रोटी भी मिलती है, लेकिन मैंने रोटी मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, एक ही चीज़ खाऊँगा, चावल ही। भाई पंजाब में खाने और पीने और रहने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गुरुद्वारे जिंदाबाद। लंगर खा लिया, सब कुछ खा के टंच हो गया, ब्यास से बाहर निकल चुके हैं। इंसान जो हिंदुस्तान से या भारत से हज करने की तरफ जाता है, तो यही रास्ते से जाता है, नेशनल हाईवे 3 यानी नेशनल हाईवे 44 से अमृतसर होते हुए वो अटारी बॉर्डर पार करता है। अमृतसर से 10 किलोमीटर पहले मैं टेंट लगा रहा हूँ घास के मैदान में। अमृतसर में रहूंगा, उसके बाद अटारी बॉर्डर पर चला जाऊंगा। परेड शुरू होगा 5 बजे, उससे पहले आप वहां अटारी बॉर्डर पर पहुंच जाना। रात को वहां रहने का कोई इंतजाम नहीं है, रात को वहां पर आप नहीं रह सकते, वापस आपको अमृतसर आना होगा। अमृतसर से लाहौर की दूरी 50 किलोमीटर है, तो मैं कोशिश करूँगा लाहौर जाने का। इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाहौर नहीं जा सकते भाई, चाह के भी नहीं जा सकते।